ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਰੁਕੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ अब मैं करनाल से दिल्ली से आ रहा था। करनाल जब निकला एक नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मोबाइल फोन लेके आ रहा था, जो मुझे पता चला उसको किसी कार ने टक्कर मारी। वो बिल्कुल ऐसा था कि वो दुनिया से चला गया, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने गाड़ियां खड़ी की, मेरे जो जवान थे पुलिस के, मेरे कमांडो थे, वो कमांडो ने उसको उठाया। मैंने कहा तुरंत इसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसको हॉस्पिटल लेके गए और मेरा ख्याल है कि दो घंटे के बाद उसके पिताजी से मेरी बात हुई, उसकी जान बच गई। पुलिस वालों ने बताया उसकी जान बच गई। बिट्टा ने कहा कि हादसे च जख्मियां दिया वीडियो बनाउन दी था उन्हां दी मदद करनी चाहिए। उन्हें कहा कि ओहो ते उन्हां दी सुरक्षा च लगे जवान करीब 20 साला तो अजिहा कर रहे ने। उन्हां दा मकसद पब्लिसिटी लेना नहीं सगो मनुखता दी सेवा है। अमृतसर तो सुमित खन्ना, जगबाणी टीवी।